Hello students, welcome to my channel. In this video series, I am discussing NCERT solution for class 12. In this video, I am going to discuss exercise 1.2, question number 7 to 12. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question, in this chapter, basically we are taking one-to-one, onto or bijective, injective this thing. So, first of all, definitions kya hota hai one-to-one check karne ke liye? हमें एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू कैलकुलेट करनी है. पहले एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, देन पुट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. हमें प्रूफ करनी है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. ये होता है पूरा के पूरा प्रोसीजर. अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स. सो हियर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स टू. ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू. फ्रॉम हियर वी विल गेट थ्री माइनस फोर एक्स वन इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स टू. थ्री थ्री कैंसिल हो गया है, फिर माइनस फोर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स टू, माइनस फोर भी कैंसिल, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. सो वी कैन से दैट एफ इज वन टू वन. नाउ विल टेक द ऑन टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या करनी है कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ. तो यहाँ पे वाई क्या है, रियल नंबर. ओके, दिस इज द रियल नंबर. फ्रॉम हियर विल गेट वाई इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स. हमें एक्स को भी वाई के टर्म्स में लिखनी है. एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई माइनस फोर. ये भी रियल नंबर पे आएगा क्योंकि वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो उसका वैल्यू भी रियल नंबर ही आ जाएगा यहाँ पे, और एक्स बिलोंग्स टू आर. तो हमें प्री इमेज मिल रही है हर एक वाई के लिए. वी आर गेटिंग प्री इमेज इन द सेट आर, देयरफॉर एफ इज ऑन टू. I hope it is clear. Now moving to the second part, that is f of x. Same thing, we will equate f of x1 is equal to f of x2. From here we'll get 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square. So 1 cancel ho gaya hai, fir x1 square is equal to x2 square implies x1 is equal to plus or minus x2. Tab dekho yahan pe dono image aa raha hai x1 ke liye, we don't have any unique image. तो doesn't have any unique image. Therefore, f is not one to one. Okay. Now we'll take the on to y is equal to 1 plus x square. From here we'll get x is equal to square root of plus or minus y minus 1. अब देखो y belongs to real number. तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो अगर y इक्वल टू माइनस थ्री लेके देखो कि x रियल नंबर आ रही है या नहीं. तो माइनस थ्री माइनस वन, तो ये क्या आएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर. तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, सो दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो नॉट ऑन टू. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, same thing here we need to prove that is bijective. So we'll show the one to one and onto. So function is defining from a cross b to b cross a. This is basically the Cartesian product, and function defined as f of a comma b is equal to b comma a. So let x is equal to a comma b. Okay, so x1 equal to a1 comma b1, x2 equal to a2 comma b2. Now, f of x1 is equal to f of x2. From here, we will get f of b1 comma a1, b1 comma a1 just a minute. So here we'll get the b1 because x1 is a1 comma b1. So image of that, it will be b1 comma a1. Sorry. So b1 comma a1 is equal to b2 comma a2.
तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स है, तो क्या होगा बेसिकली कंपोनेंट वाइज इक्वल होता है। कंपोनेंट वाइज इक्वल मीन दिस विल बी इक्वल विद दिस, दिस विल बी इक्वल विद दिस, वी कैन से दैट दिस ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल। सो फ्रॉम हियर विल गेट बी वन इज इक्वल टू बी टू, ए वन इज इक्वल टू ए टू, सो दैट मीन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज 1 to 1। नाउ विल चेक द ऑन टू, तो वाई इक्वल टू ए फॉर एक्स ना, तो फॉर ऑल एक्स मीन्स इसके लिए एक तो इमेज मिल ही रहा है ना हमारे पास, ऐसे टाइप का हो रहा है बी कॉमा ए, तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, सो दैट फॉर ऑल एक्स वी विल गेट अ पी इमेज। सी देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट, एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सो दैट फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन इज डिफाइनिंग फॉर टू डिफरेंट कंडीशन, when n is odd and when n is even. So we will take two numbers, from one is odd and another one is even. So let's take n equal to 3. So f of 3 will be 3 plus 1 by 2. So this is equal to 4 by 2. So 2. Take n is equal to 4. So f of 4 is equal to 4 by 2. This is also 2. So here we are getting f of 3 is equal to f of 4. But 3 not equal to 4, so f is not 1 to 1, not 1 to 1. Now we need to check the onto. So dono ke liye check karna hai, pehle odd ke liye. So when n is odd, so y is equal to n plus 1 by 2, y belongs to natural number given hai, so ehi se kya aega, n is equal to y माइनस वन, कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करो यहीं पे, तो n इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इसके लिए 3 आएगा, तो हर एक नेचुरल नंबर ही आएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू इट, देयरफॉर f इज ऑन टू फॉर n इज n ऑड। तो नाउ वी नीड टू चेक व्हेन n इज इवन, तो हियर y इज इक्वल टू n बाय 2, so n is equal to 2y, so here also it will be belongs to natural number, so this means f is onto for all n belongs to n. Okay, so function is not bijective because it is not onto, so not bijective. Moving to next question. So here set A is equal to given R minus C, means except C all real numbers are there. B is equal to given R minus 1. Okay. Now the f of x is equal to x minus 2 by x minus 6. So we'll check first 1 to 1. So f of x1 is equal to f of x2. Kya aega? X1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by 2 minus 3, cross multiply करो, x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2. क्या आएगा यहीं से देखो, x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6. x1 x2 cancel, 6 cancel. अब x1 के टर्म एक साइड पे एंड y x2 के टर्म दूसरा साइड पे लेके जाना है, तो माइनस थ्री एक्स वन इधर आ रहा है, तो टू एक्स वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू, तो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो क्या आ रहा है देखो, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देयरफॉर एफ इज 1 to 1। ओके, नाउ वी नीड टू चेक द ऑन टू, so take y is equal to x minus 2 by x minus 3,
क्या है, y बिलोंग्स टू r माइनस वन. ओके, तो x को y के टर्म में लिखना है, तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू. तो x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई y माइनस वन. कंडीशंस क्या रहेगा, y नॉट इक्वल टू वन. सो इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट y बिलोंग्स टू r माइनस वन, दैट मीन्स y इज नॉट इक्वेट विथ वन एक्सेप्ट वन ऑल द नंबर. सो वी आर गेटिंग थ्री इमेजेस फॉर ऑल y. देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू r माइनस थ्री, हेंस f इज ऑन टू एज वेल. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, हियर दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो फर्स्ट विल टेक द वन टू वन. एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. तो क्या आएगा, एक्स वन पावर फोर इज इक्वल टू एक्स टू पावर फोर. यहीं से क्या आ रहा है, देखो एक्स वन पावर फोर माइनस एक्स टू पावर फोर इज इक्वल टू जीरो. देन क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x2 स्क्वायर. ओके, सो दिस विल नॉट बिकम अ रियल नंबर एज दिस इज माइनस इज देयर. सो व्हेनेवर वी विल टेक द स्क्वायर रूट, माइनस विल कम इनसाइड ऑफ स्क्वायर रूट. सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो विल कंसीडर ओनली दिस पार्ट. फ्रॉम हियर x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2. सो अगेन डज नॉट हैव एनी यूनिक इमेज. Any unique image. Therefore, f is not one to one. You can check verify from example as well. Like f of one is equal to one power four, so this is one. Again, f of minus one is equal to minus one power four, this is also one. So f of one and f of minus one are equal. One not equal to minus one. So this means this is not one to one. Now we'll take the onto. So take y is equal to x power 4. So x will become y power of 1 by 4. So 1 by 4 means y power 1 by 2 whole power of 1 by 2. So this means square root of y whole power 1 by 2. As y belongs to real number, take y is equal to minus 2. So see, x will become square root of minus 2 whole power of 1 by 2. This does not belong to real number. Therefore, f is not onto. Not onto. So take the option. F is neither one to one nor onto. Option D is the correct answer. Now we'll move to the last question of this video. So here, f of x is equal to 3x. This is very simple question because only the degree one polynomial. F of x is equal to 3x. So we'll calculate f of x1 is equal to f of x2. We will get x1 is equal to 3x2. So 3 will get cancelled from both the sides. Then x1 is equal to x2. Therefore, f is 1 to 1. Now we'll take on to part. Y is equal to 3x. Y belongs to real number. X equal to kya aega? Y by 3. तो y का कोई भी रियल नंबर ले लू, मल्टी प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू, तो सारे के सारे फ्रैक्शन में तो रियल नंबर ही होती है. तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर. देयरफॉर f इज ऑन टू. हेंस f इज वन टू वन एंड ऑन टू. सो चेक द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. f इज वन टू वन एंड ऑन टू. So that is it for today, guys. I hope you all understood the question, whatever I have solved. If anyone is having any confusions, please do write in comment section. If you want to give any suggestions or if I have any requests, like any kind of solutions you want from my side, please do write in comment section. I will try to make those solutions. And this is my live class schedule. Those who are not aware of this, do join and please share with others. Thank you for watching my video. Those who are new to this channel, please don't forget to subscribe my channel.